हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट न्यू एल्गा दैट इज कारा। कारा के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि कारा एक मुस्क ग्रास के नाम से जानी जाती है, मतलब कस्तूरी घास के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन ना रखिए, ये ग्रास नहीं है बल्कि एक एल्गा है, जिसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएं तो ये फाउल जो आएगी इसकी मस्ती रहेगी, मीन्स ऑलमोस्ट गार्लिक लाइक, लहसुन के समान गंध रहेगी, दुर्गंध कहिए, और ग्रे ग्रीन कलर का रहेगा ये, ब्रांज रहेगा, और मल्टी सेलुलर एल्गा है दैट इज ऑफन कन्फ्यूज विथ सबमर्ज फ्लावरिंग प्लांट, मीन्स जैसे हाइड्रिला वगैरह हैं उससे कन्फ्यूज हो सकते हैं, बट देर इज नो फ्लावर। ध्यान दीजिए, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट नहीं है, एल्गा है, दिखता जरूर है हायर प्लांट की तरह, और विल नॉट एक्सटेंड अबव द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के ऊपर ये एक्सटेंड नहीं होगा, और इसका जो टेक्सचर होगा दैट विल बी ग्रेनी और क्रंची, और इसके जो नोट्स होंगे उस नोट्स से जो ब्रांचेज निकलेंगी वो भ्रमर में निकलेंगी, वर्ल में, और करीब करीब 6 से लेकर 16 ब्रांचलेट होंगी प्रत्येक नोड में, 6 to 16 ब्रांचलेट अराउंड दी ईच नोड। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट है इट लुक्स लाइक हायर ग्रीन प्लांट्स, पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्मिक, और कभी कभी इक्विसिटम को आप देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इक्विसिटम है कि कारा है मॉर्फोलॉजिकली, बट जब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एल्गा है। तो ये कारा के नाम से आप पढ़ रहे हैं तो कारा को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, तो इस प्रकार से करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में जानेंगे। इस प्रकार से ये इंटर नोड है, और बिटवीन टू नोड्स देयर इज ए इंटर नोड, और नोड से ये जो लेटरल्स निकली हैं ब्रांचलेट्स, ये 6 to 16 नंबर की रहेंगी, 6 से लेकर 16 तक। और ध्यान रहे कि इसकी एक्जियल से, मतलब ये प्राइमरी लेटरल के एक्जियल से जो ब्रांच निकलेगी दैट विल बी अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच रहेगी, और मेन एक्सिस जो हमने देखा ये खुद एक अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है। यहाँ पर डाइमॉर्फिज्म है, दो प्रकार की ब्रांचेज हैं, एक तो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच जो कि नोड से निकल रही है, और नोड से जो निकलने वाले प्राइमरी लेटरल्स हैं या ब्रांचलेट्स हैं उसकी एक्जिल से निकलने वाली ब्रांच है दैट इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच है, अनलिमिटेड मीन्स असीमित वृद्धि वाली। और यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप, और जिसको आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये निक्यूल और ग्लोब्यूल्स के रूप में जाने जाएंगे, जिसको भी बताते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि मेन प्लांट बॉडी का जो मेन एक्सिस है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू नोड एंड इंटर नोड में, और दो प्रकार की ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से जानने के बाद आगे आपको लिटरेचर बताएं थोड़ा सा कि प्लांट बॉडी शोज वेरी मच कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड अटैच टू मड बाई ए राइजोइडल सिस्टम, मीन्स पूरा का पूरा पौधा जो है बहुत ही जटिल है संरचना में, और ज़मीन से ये राइजोइडल सिस्टम के द्वारा अटैच्ड है। प्लांट बॉडी इरेक्ट है जैसा अभी दिखाया गया, और उसमें नोड्स और इंटर नोड्स क्लियर दिखाई दे रही है। रिप्रोडक्शन के मामले में बताएं कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ ऑल टुगेदर अब्सेंट जस्ट लाइक ब्रायोफाइटा, और इसमें मीन्स जू स्पोर्ट्स वगैरह कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, रिप्रोडक्शन केवल होगा वेजिटेटिव मोड से और सेक्सुअल मोड से। ग्रोथ भी यहाँ टिपिकल टाइप की होगी बाय ए डोम शेप्ड एपिकल सेल, ये भी एडवांस कैरेक्टर है, गुंबद प्रकार के जो सेल है उससे इसका ग्रोथ हो रही है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्टनर्स हैं मेल और फीमेल, मेल को यहाँ ग्लोब्यूल कहा जाएगा और न्यूक्यूल फीमेल को कहा जाएगा, दे आर हाईली एडवांस टाइप एंड कॉम्प्लिकेटेड टाइप, और ये मैक्रोस्कोपिक होंगे, मतलब नग्न आँखों से इसको, नेकेड आई से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं दे आर वेरी एडवांस टाइप, और इसी के चलते कारा को की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो थोड़ा सा डिबेटफुल है, मतलब ये एक प्रकार से कंट्रोवर्शियल टाइप की है, फिर भी कारा को अब एल्गी में माना गया है और टोटली इसको एक नया क्लास दिया गया है, कैरोफाइसी में रखा गया है।
तो इस प्रकार से कारा के बारे में ये आपको जानकारी देना है। इसके बाद देखिए कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स है दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और ध्यान देंगे ये नोड है और ये भी नोड है, नोड के बीच का जो दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर दैट इज इंटर नोड, और नोड से ही लेटरल्स निकले हुए हैं ब्रांचलेट वगैरह, और नोड में ही आपको रिप्रोडक्टिव पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाला ग्लोब्यूल है और ऊपर में हमेशा न्यूक्लियस रहेगी। तो ये जो स्पेसीज है दैट इज होमोथैलिक आर यू कैन से मोनोसियस, तो ये टर्म बहुत बार बार आते हैं बॉटनी में, मोनोसियस एंड डायोसियस। तो डायोसियस होता तो क्या होता, दोनों पार्टनर्स जो हैं न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल अलग अलग थैलस में रहते हैं, जब चूंकि दोनों एक साथ हैं तो इट इज मोनोसियस स्पेसीज आर यू कैन से होमोथैलिक स्पेसीज। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये देखिए थोड़ा सा और डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर, अब अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो राइजॉइड्स हैं जो जमीन से पौधे को अटैच किए हुए हैं मड से, तो ये राइजॉइड्स जब देखेंगे तो इसमें ऑब्लिक सेप्टा रहेगा, ध्यान दें मल्टी सेलुलर है ऑब्लिक सेप्टा है, और ये मेन एक्सिस है जो कि नोड और इंटर नोड में डिफ्रेंशिएटेड है, ये नोड है ये इंटर नोड है, और नोड से ही प्राइमरी लेटरल्स या ब्रांच लेट निकली है जिसको अपन लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच कहते हैं या सूट कहते हैं, और जो प्राइमरी लेटरल्स हैं उसके एक्जियल से जो ब्रांच निकली है दैट इज सूट ऑफ अनलिमिटेड या असीमित वृद्धि वाली ब्रांच है, और ये जो अनलिमिटेड वाली ब्रांच है इसमें भी लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच रहेगी, और इस प्रकार से कह सकते हो कि जो मेन एक्सिस है इट इज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच, और सभी में नोड इंटर नोड होगा, और ध्यान देंगे जो प्राइमरी लेटरल्स हैं उसमें छोटे छोटे स्टिपुलोट्स होंगे जिसको सेकेंडरी लेटरल्स कहा गया है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है, और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ये हायर प्लांट्स के समान कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। इसके बाद थोड़ा सा आपको और दिखाएं, ये देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, और एक चीज़ और बता देते हैं कि डायग्राम से ही थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि यदि मान लीजिए इंटर नोड जो पोर्शन है कार्टिकल सेल्स के द्वारा इंसीथेड है तो उसको बोलेंगे कार्टिकेटेड स्पेसीज, यदि कार्टिक्स के द्वारा इंसीथेड नहीं है या कवर्ड नहीं है तो उसको बोलेंगे ई कार्टिकेटेड स्पेसीज। तो दो प्रकार की जातियाँ देखने में आई हैं, और इसमें भी कॉर्टिकल सेल्स जो हैं ये नीचे की ओर कहलाएंगे डिसेंडिंग और ऊपर वाली तरफ कहलाएंगे ये एसेंडिंग टाइप के। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये है, और ग्लोब्यूल न्यूक्यूल आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं प्राइमरी लेटरल से सेकेंडरी लेटरल्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं जिसको स्टिपुलोट्स भी कहा गया है, सेकेंडरी लेटरल्स आर आल्सो कॉल्ड स्टिपुलेट्स। तो इस प्रकार से कारा की जो मॉर्फोलॉजी है ये थोड़ा सा जटिल है, और अब लिखना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो लिखेंगे प्लांट बॉडी इज मल्टी सेलुलर ब्रांच एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड एंड इंटर नोड, मीन्स यहाँ पर प्लांट बॉडी ब्रांच है डिफरेंशिएटेड हो रही है मेन एक्सिस एंड राइजॉइड्स में, और जो मेन एक्सिस है उसमें नोड इंटर नोड मैंने पहले ही बताया, देन राइजॉइड जो रहेंगे दे आर थ्रेड लाइक मल्टी सेलुलर ब्रांच एंड वाइड विथ ऑब्लिक सेप्टा, 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, कभी कभी एक मीटर लंबा भी पौधा रहता है, मेन एक्सिस इरेक्ट है लॉन्ग है और डिफरेंशिएटेड इंटू नोड एंड इंटर नोड, इंटर नोड इज इलांगेटेड लंबी है एंड सिलेंड्रिकल सेल, एंड दे आर इनसीथेड आर कार्टिकेटेड बाई कार्टिकल सेल्स इन कार्टिकेटेड स्पेसी, और नोडल सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स, नोडल सेल्स में मात्र दो सेल होंगी सराउंडेड बाई 6 to 20 पेरीफेरल सेल। तो ध्यान देंगे जो इंटर नोड की सेल है वो कार्टिकेटेड भी हो सकती है ई कार्टिकेटेड भी हो सकती है, जबकि नोडल सेल्स में छोटी छोटी दो सेल रहेंगी जो कि 6 से लेकर 20 तक पेरीफेरल सेल के द्वारा सराउंडेड रहेंगी। अब आया नेक्स्ट है कि तीन प्रकार के अपेंडिक्स होंगे इसमें, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम ईच नोड, प्रत्येक नोड से
तीन प्रकार के उपांग निकलते हुए दिखाई देंगे, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ नंबर वन, जिसको वर्ल ऑफ ब्रांचलेट भी कहा गया है, भ्रमर कहा गया है ब्रांचलेट का, या प्राइमरी लेटरल्स की संज्ञा दी गई या पत्तियों की संज्ञा दी गई, बट दे आर नॉट टू लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, जिसमें लॉन्ग लेटरल्स अराइजेस फ्रॉम एक्जिल ऑफ ओल्डर नोड्स कॉल्ड ऑक्जिलरी ब्रांच। मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच क्या है, लॉन्ग लेटरल्स हैं जो कि ओल्डर नोड की कक्ष से निकलेंगी, और इनको ऑक्जिलरी ब्रांच भी कहा गया है। स्टिपुलोट्स मीन्स यूनिसेलर आउटग्रोथ हैं, जो स्पाइन लाइक हैं कांटे के समान, और इसको सेकेंडरी लेटरल्स कहा गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि तीन प्रकार के अपेंडिकेस दिखाई दे रहे हैं, कार्टिकेटेड स्पेसीज दिखाई दे रही है, और ई कार्टिकेटेड भी हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नोड और इंटर नोड यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है, और दो प्रकार की ब्रांचेज दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से कारा के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। अब देखिए इसकी सेल्स को देखिए, ये नोडल सेल है और ये इंटरनोडल सेल है। तो इसी में देख के पहचान जाएंगे कि नोडल सेल में सिंगल न्यूक्लियस रहेगा, और जो सेल वॉल रहेगी वो सेलुलोज की बनी रहेगी, अंदर इनर सेल वॉल और आउटर पेक्टिन की बनी रहेगी, जिसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन देखी गई, इसलिए इसको स्टोन वॉल के नाम से भी जाना जाता है। पूरा का पूरा पौधा कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ये कवर्ड रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो नोडल सेल है बहुत ही शॉर्ट है, छोटी है, जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है और क्लोरोप्लास्ट डिस्क टाइप के दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, और छोटी छोटी स्मॉल वैक्यूल्स रहेंगी। जबकि इंटर नोडल सेल जो रहेगी वो इलांगेटेड रहेगी और सिलेंड्रिकल रहेगी, इलांगेटेड, और देखिए ये इस प्रकार से सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही है। इसमें लार्ज वैक्यूल है, और ये जो इनर वॉल है साइटोप्लाज्म की, यहाँ पर आपको क्लियर कट स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाई देगा साइटोप्लाज्म का, और ये सेल वॉल दिखाई दे रही है। बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, ध्यान दीजिए इंटरनोडल सेल में मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन रहेगी, और डिस्क टाइप के क्लोरोप्लास्ट भी रहेंगे, और लेकिन सिंगल वैक्यूल रहेगी, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से इंटर नोडल सेल को हमने देखा कि सिलेंड्रिकल और इलांगेटेड है। अब लिखना क्या है इसके बारे में, ये देख लीजिए कि सेल स्ट्रक्चर में सेल वॉल सेलुलोजिक है, आउटर सेल वॉल पैक्टिन की बनी है, नोडल सेल शॉर्ट यूनि न्यूक्लियेट विद डेंस एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, मेनी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट विदाउट पायरिनाइट्स, पायरिनाइट्स नहीं होगा ध्यान देंगे, स्मॉल वैक्यूल्स, इंटरनोडल सेल लॉन्ग विथ ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मेनी न्यूक्लियस एंड मेनी डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो फाउंड इन दी इंटरनोडल सेल, इनर लेयर जो है साइटोप्लाज्म की वो शो करेगी स्ट्रीमिंग मूवमेंट, एक प्रकार का उसमें प्रवाह जो है वो प्रवाह वाली गति दिखाई देगी। इस प्रकार से सेल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है इम्पॉर्टेंट रूप से बाय एमाइलम स्टार के द्वारा। एमाइलम स्टार क्या है कि स्टार शेप रचना है जो कि नोडल सेल से डेवलप होती है, पर्टिकुलरली बेसल रीजन के जो नोडल सेल रहेंगे उससे डेवलप होगी, और सेल्स जो रहेंगी दे आर एग्रीगेटेड, मतलब बहुत पास पास हो जाएंगी, लुकिंग लाइक ए स्टार एंड फिल्ड विथ एमाइलम स्टार, मतलब एमाइलम स्टार्स के द्वारा फिल रहेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है एमाइलम स्टार। बाई बल्बिल्स के द्वारा होगा, दे आर स्मॉल ओवल स्ट्रक्चर या स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एंड दीज बॉडी डेवलप ऑन नोड्स से ही सब डेवलप होंगी, एंड आफ्टर डिटैचमेंट न्यू प्लांट बनाएंगी। तो ये जितने भी एमाइलम स्टार हैं या कि ये बल्बिल्स वगैरह हैं, ये सभी के सभी डिटैच होते हैं और नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी इनमें रहती है। और बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा से भी हो सकता है, नोड से या राइजोइड के नोड से, या फिर मैच्योर प्लांट के नोड से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, धागे जैसे स्ट्रक्चर, इसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे, और ये प्लांट से अलग होकर डिटैच होकर नया प्लांट बना सकता है। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर मोस्ट कॉमन है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने पहले बताया, इट इज़ ऑल टुगेदर अबसेंट। और इसके बाद फिर आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है, दैट इज़
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया जाएगा। उसके पहले थोड़ा डायग्राम देख लीजिए, ये स्टेम बल्बिल हैं, स्टेम के नोड्स में दिखाई दे रही हैं, ये रूट बल्बिल हैं या राइजॉइड के पास के नोड से निकलेंगे, इसको रूट बल्बिल कहा गया। और ये एमाइलम स्टार है, स्टार जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एमॉर्फस बल्बिल है, मतलब तो यहाँ पर छोटे छोटे जो बल्बिल्स हैं वो बहुत पास पास आ गए हैं, तो एक प्रकार से ये एमॉर्फस टाइप का हो गया है। और ये एमाइलम स्टार है। इस प्रकार से इसके कुछ डायग्राम बताए गए हैं। देन कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। आगे चल के भी जब पीएससी वगैरह देंगे आप लोग, आईएएस वगैरह, तो वहाँ पर भी कारा के ग्लोबियल न्यूक्ल के बारे में, या फॉरेस्ट का एग्जाम देंगे, डीएफओ बनने की तमन्ना रहती है बच्चों को, या रेंजर बनने की, तो वहाँ पर भी कारा के बारे में पूछा जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर मोस्ट एडवांस टाइप का ओगेमस टाइप का और स्पेशलाइज टाइप के यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो सबसे पहली बात हमने बताया था, होमोथैलिज्म ज़्यादा है, मोनोसियस स्पेसीज ज़्यादा हैं और हेटरोथैली भी हो सकती हैं। सेक्स आर्गन हमेशा नोड पर ही डेवलप होंगे, सेक्स आर्गन बॉर्न ऑन नोड ऑफ लीफ, या कहिए लेटर, लीफ ना कहके यहाँ लेटरल्स कहेंगे तो भी अच्छा है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल। अब ग्लोब्यूल का विकास कैसे होता है, तो जो नोडल सेल रहेंगी उसकी जो सुपरफिशियल सेल रहेगी, मतलब सबसे ऊपर वाली सेल रहेगी सुपरफिशियल सेल, उसमें टीडी होगा। टीडी मीन्स ट्रांसवर्स डिवीजन, जिससे दो इनिशियल बनेगी, एक ग्लोब्यूल इनिशियल, दूसरा न्यूक्ल इनिशियल। ग्लोब्यूल इनिशियल में टीडी होगा तो दो डॉटर सेल बनेंगी, और ये दो डॉटर सेल में लोअर जो सेल रहेगी वो पेडिकल सेल कहलाएगी, और अपर सेल जो है वो गोल हो जाएगी, इस प्रकार से गोल हो जाएगी, और नीचे वाली सेल पेडिकल सेल है, ये ध्यान देंगे, गोल हो गई। तो यहाँ पर जो अपर सेल है वो गोल होने के बाद उसमें टीडी होगा और वीडी होगा, इस प्रकार से चार सेल बनेंगे। उसके बाद प्रत्येक सेल में एक एक टीडी होगा, जिससे आठ सेल बनेंगे, जिसको ऑक्टेंट स्टेज कहा जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, जो ग्लोब्यूल इनिशियल है उसमें टीडी हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, जिससे दो डॉटर सेल बनी, लोअर सेल पेडिकल सेल कहलाई, अपर सेल गोल हो गई इस प्रकार से स्फेरिकल, फिर उसमें टीडी हुआ और वीडी हुआ, जिससे क्वाड्रेंट स्टेज बनी, और उसके बाद इसमें टीडी हुआ, प्रत्येक सेल में ऑक्टेंट स्टेज, मतलब आठ सेल वाली स्टेज बन गई। इसके बाद अब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है कि अंदर भी आठ सेल कटेगी, बाहर आठ सेल कटेगी, मतलब देखिए इस प्रकार से जो ऑक्टेंट स्टेज, में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ तो इस प्रकार से जो आठ सेल थी वो आठ बाहर और कट गई, तो एट आउटर सेल और एट इनर सेल, इस प्रकार से। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से डिवीजन हो रहा है ग्लोब्यूल इनिशियल के डेवलपमेंट में, और किस प्रकार से आठ आउटर सेल और आठ इनर सेल कट रही है। अब आठ जो आउटर सेल हैं उसमें फिर से पीडी होगा, पीडी मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, जिससे आउटर मोस्ट एट सील्ड सेल कटेंगी और अंदर की जो सेल है वो एट मिडिल सेल, मैनुब्रियम सेल कहना है। इस प्रकार से 24 सेल स्ट्रक्चर बन गया, जो ग्लोब्यूल बना अब इस प्रकार से वो 24 सेल का है, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, जो दिखाई दे रहा है, जिसमें एक और लेयर आई, ये यहाँ पर सबसे बाहर वाली सील्ड सेल, बीच वाली मैनुब्रियम सेल, अंदर वाली कैपिटुलम सेल। इस प्रकार से आउटर एट सेल इज कॉल्ड सील्ड सेल, एट मिडिल सेल आर कॉल्ड मैनुब्रियम सेल, एंड एट इनर मोस्ट सेल जो रहेंगी दे आर कॉल्ड प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। इस प्रकार से 10-24 सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म। आउटर मोस्ट जो सील्ड सेल है इट बिकम वेरी मच इनलार्ज, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगी एंड एक्सपांडेड फैल जाएगी। द आउटर वॉल ऑफ सील्ड सेल्स फोल्ड इनवर्ड, अंदर की ओर फोल्ड होगी एंड अपीयर एज ए मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ऐसा लगेगा ये बहु कोशिकीय संरचना बन गई। इसलिए ग्लोब्यूल का जो मॉर्फोलॉजी है या इसके बारे में जो कंट्रोवर्सी है इसको मल्टी सेलुलर मान लेते हैं कई लोग, जबकि है ये यूनिसेलुलर माना जाएगा। इन फोल्डिंग्स आर इनकम्प्लीट, ध्यान देंगे, सील सेल डेवलप रेड पिगमेंट, इसके बाद इनमें रेड पिगमेंट पैदा हो जाता है, दैट
ग्लोब्यूल एपियर ऑरेंज रेड इन कलर, इसलिए ग्लोब्यूल का जो कलर दिखाई देगा वो रेड ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से ग्लोब्यूल बन रही है, इसके बाद ये देखिए डेवलपमेंट एक बार और दिखाया जा रहा है। एपिकल सेल सुपरफिशियल जो ग्लोब्यूल इनिशियल है, डिवीजन हुआ इस प्रकार से एंथ्रेडियल इनिशियल, पेडिकल सेल, और इसके बाद फिर से वर्टिकल डिवीजन हुआ। देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये टीडी के बाद, ये देखिए टीडी हुआ, उसके बाद ट्रांसवर डिवीजन एंड वर्टिकल डिवीजन। एंथ्रेडियल इनिशियल में देखिए वर्टिकल डिवीजन हुआ, उसके बाद फिर ट्रांसवर डिवीजन, तो इस प्रकार से बना। देन पेरिकलर डिवीजन हुआ जिसके कारण अंदर की ओर सेल्स कटी बाहर की ओर प्रकार से, तो फिर बाहर की सेल में पेरिकलर डिवीजन हुआ जिसके फलस्वरूप आठ आठ सेल के तीन, यहाँ चार चार ही दिखाई दे रहा है, बैक साइड में रह गई है, तो इस प्रकार से एट एट आउटर एट सील्ड सेल, मिडिल मेनुब्रियम सेल, इनर कैपिटुलम सेल, प्राइमरी कैपिटुलम, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये डेवलपमेंट बताया गया ताकि आप लोग समझ में आए। और इस प्रकार से हमने देखा कि ग्लोब्यूल जो बन रहा है उसमें सील्ड सेल, मेनुब्रियम सेल और आपका कैपिटुलम सेल दिखाई दे रहा है, इसके बाद नीचे पेडिकल दिखाई दे रही है। देन कम टू नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट मैन्यूब्रियम सेल के बारे में देखिए। अभी सील्ड सेल के बारे में बताया था, मैन्यूब्रियम सेल्स बिकम वेरी मच रेडियली इलांगेटेड, बहुत ज़्यादा ये रेडियली इलांगेटेड हो जाती हैं, बट द प्राइमरी कैपिटुलम सेल जो हैं दे आर अरेंज कॉम्पैक्टली टू ईच अदर इन सेंटर ऑफ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल के सेंटर में ये जो प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स हैं दे आर अरेंज रहेंगी सघन रूप से, और फ्रॉम ईच प्राइमरी कैपिटुलर सेल सिक्स सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स कट ऑफ इनसाइड द ग्लोब्यूल। मतलब प्राइमरी कैपिटुलर सेल से छः सेकेंडरी कैपिटुलर सेल कटेंगी और दीज सेकेंडरी कैपिटुलर सेल रेयरली डेवलप टर्सरी कैपिटुलर, बहुत कम होता है कि जब इससे टर्सरी कैपिटुलर सेल बने। और ध्यान देंगे ऑन द सेकेंडरी कैपिटुलर सेल इनिशियल्स ऑफ एंथ्रेडियल फिलामेंट्स आर प्रोड्यूस विच मे बी ब्रांच और अनब्रांच, मीन्स ये जो सेकेंडरी कैपिटुलर सेल्स हैं इससे एंथ्रेडियल फिलामेंट के इनिशियल्स डेवलप होंगे। ध्यान दें इनिशियल्स ऑफ एंथ्रेडियल फिलामेंट्स जो कि ब्रांच भी हो सकते हैं अनब्रांच भी हो सकते हैं। ईच फिलामेंट हैज़ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स रहेंगे, दे आर कॉल्ड एंथ्रेडिया, और प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल, प्रत्येक सेल का प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस के द्वारा सिंगल इलांगेटेड बाई फ्लैजलेटेड क्वाइल्ड एंथ्रोजॉइट में मेटामॉर्फोसिस जाएगा। मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे प्रत्येक एंथ्रेडिया से मात्र एक एंथ्रोजॉइट प्रोड्यूस होगा। जिस प्रकार से नंबर ऑफ एंड्रोसाइट्स आर देयर इन ग्लोब्यूल ऑन मैच्योरिटी सील्ड सेल समवॉट सेपरेट, सील्ड सेल जो हमने देखा था बाहर वो थोड़ा अलग होने लगेंगी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एंड द एंथ्रेडियल फिलामेंट्स प्रोट्रूड मीन्स बाहर आएंगे थ्रू दीज ओपनिंग्स, एंड एंथ्रोजॉइट्स लिबरेट इन वाटर इन मॉर्निंग, मीन्स यहाँ पर जो एंथ्रेडियल फिलामेंट्स हैं वो प्रोट्रूड करेंगे ओपनिंग के द्वारा बाहर आएंगे, जिससे कि एंथ्रोजॉइट्स पानी में सवेरे सवेरे मॉर्निंग में ही एंथ्रोजॉइट्स वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मैन्यूब्रियम सेल में रेडियली इलांगेशन हो रहा है, सेकेंडरी कैपिटुलर सेल से सेकेंडरी कैपिटुलर सेल बन रही हैं, कैपिटुलर सेल से फिर एंथ्रेडियल फिलामेंट बन रहा है, एंथ्रेडियल फिलामेंट के जो सेल्स हैं उससे आपका एंथ्रोजॉइट्स बन रहे हैं मेटामॉर्फोसिस के द्वारा। तो इस प्रकार से ये इसका डेवलपमेंट। अब इसके बाद ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये कैपिटुलम सेल्स हैं, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स हैं, ये एंथ्रेडियल फिलामेंट्स हैं, और ये आपका मैन्यूब्रियम्स हैं, ये चार थो उधर चार दिखाई देंगे, और ये पेडिकल सेल्स, और ये बाहर में सील्ड सेल है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। कभी कभी ये डायग्राम में आता है फुल क्वेश्चन में कि डायग्राम बना के इसको डिस्क्राइब कीजिए ग्लोब्यूल और न्यूक्ल के बारे में, तो थोड़ा सा अच्छे से देखिए। यहाँ पर देखिए एंथ्रेडियल फिलामेंट जो है वो मल्टी सेलुलर दिखाई दे रहा है, जिसके प्रत्येक सेल में सिंगल न्यूक्लियस है। तो ये कैपिटुलर सेल्स और ये सेकेंडरी कैपिटुलर सेल से ही एंथ्रेडियल फिलामेंट निकलती है, ध्यान देंगे। और ये आपको सील्ड सेल दिखाई दे रहा है। इसके बाद थोड़ा सा इसके और डेवलपमेंट के बारे में देखें। यहाँ पर ये और निकाला गया है, ये देखिए एंथ्रेडियल फिलामेंट्स बाहर आ गए हैं प्रोट्रूड करके। और उसके बाद ये इंट्रोजॉइट्स है, प्रत्येक सेल में इस प्रकार से न्यूक्लियस है और एंथ्रेडिया कहला रही है। प्रत्येक से एक एक इस प्रकार से इंट्रोजॉइट्स बाई फ्लैजेलेटेड इलांगेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल। न्यूक्यूल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये न्यूक्यूल इनिशियल जो होता है उसमें दो टीडी होंगे, मतलब दो ट्रांसफर डिवीजन, जिससे तीन सेल बनेगी। तो जो लोअर सेल रहेगी दैट विल बी पेडिकल, इस प्रकार से मान लीजिए है तो ये पेडिकल सेल हो गई, बीच वाली नोडल सेल और ऊपर वाली ओगोनियम सेल। तो ये जो ऊपर वाली सेल है टर्मिनल सेल, ये आपका ओगोनियम मदर सेल कहलाएगी और टर्मिनल सेल इलांगेट हो जाती है सफिशियंटली इन वर्टिकल डायरेक्शन, इस प्रकार से इलांगेट हो जाएगी। और उसमें फिर ट्रांसफर डिवीजन के द्वारा जब इलांगेट होती है तो ट्रांसफर डिवीजन होगा उसमें और दो सेल बनेंगी, लोअर सेल कहलाएगी स्मॉल सेल और अपर सेल कहलाएगी ओगोनियम। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा, ये नीचे वाली सेल लोअर सेल और ऊपर वाली ओगोनियम कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना। देन जो मिडिल सेल है दिट इज कॉल्ड नोडल सेल और इसमें वर्टिकल डिवीजन होगा, जिससे फाइव पेरीफेरल सेल बनेगी जो कि पूरी की पूरी चारों तरफ से ओगोनियल सेल को सराउंड कर लेगी, मतलब प्रोटेक्शन का कार्य करता है ये। और उसमें फिर जब टीडी होगा ट्रांसफर डिवीजन, तो फाइव कोरोनल सेल एट द टॉप एंड फाइव ट्यूब सेल एट द बॉटम। मीन्स जो मिडिल सेल है नोडल सेल उसमें कई वर्टिकल डिवीजन होंगे, जिसके फलस्वरूप पांच पेरीफेरल सेल बना जो ओगोनियम को सराउंड कर लिया है। उसके बाद फिर नोडल सेल में आपका ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है, जिसके चलते फाइव कोरोनल सेल टॉप में बन गया और फाइव ट्यूब सेल बॉटम में बन गया, जो कि पूरी ओगोनियम की लेंथ के साथ ग्रो करेंगे एंड स्पायरली क्वाइल्ड अराउंड ओगोनियम, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में ये ओगोनियम को चारों तरफ से स्पायरली क्वाइल्ड कर लेंगे। उसके बाद कोरोनल सेल के बारे में जान लीजिए, दे डोंट इलोंगेट मच एंड फॉर्म कोरोना, ये किसी प्रकार से डिवाइड नहीं होती और एक छत्रक के रूप में ताज के रूप में कोरोना बनाएंगी न्यूक्ल के ऊपर। एंड प्रेयर टू फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले ट्यूब सेल्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, जैसे फर्टिलाइजेशन का समय आएगा उसके पहले ही जो ट्यूब सेल्स हैं एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, जिसके कारण फाइव स्लिट्स आर डेवलप, पांच छोटे छोटे स्लिट्स या छिद्र कहिए वो कोरोना के नीचे डेवलप हो जाएंगे। स्विमिंग एंथ्रोजॉइट्स अराउंड द न्यूक्यूल, जो तैरते हुए एंथ्रोजॉइट्स हैं जो न्यूक्यूल के चारों ओर तैर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एंटर थ्रू दी ओपनिंग, ओपनिंग के द्वारा ये एंटर करेंगे। फ्लैजेला विड्रॉ हो जाएगा, एंथ्रोजॉइट पेनिट्रेट्स एक, केवल एक ही एंथ्रोजॉइट एंटर करेगा, पेनिट्रेट करेगा मतलब एक को, और मेल न्यूक्लियस फ्यूजेज विथ एग टू फॉर्म जायगोट, इस प्रकार से जायगोट बन जाएगा। और ये जायगोट अपने आप को सेटल करेगा मड में, मड मतलब कीचड़ में सेट करेगा और चारों तरफ से थिक वॉल के द्वारा ये सराउंड हो जाएगा, ध्यान देंगे। और जर्नेट कब करता है ये, जब कंडीशंस विल बी फेवरेबल, जब कंडीशंस अनुकूल होंगी तभी, नहीं तो ये मड में रेस्टिंग स्टेज में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। ये देखिए डायग्राम, ओगोनियल वॉल सेल सबसे ऊपर दिखाई दे रही है और ये बीच वाली नोड है और ये स्टॉक है, तीन सेल मैंने बताया था। इसके बाद ओगोनियम में डिवीजन हुआ तो ये ओगोनियम प्रॉपर और ये स्मॉल सेल, और उसके बाद नोडल सेल में जो डिवीजन हुआ जिसके चलते फिर
वर्टिकल लीजन के चलते फिर ये इस प्रकार से ट्यूब सेल बना है और ये कोरोना बना है। ये फीमेल न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल सेल दिखाई दे रही है, पेडिकल सेल दिखाई दे रहा है, सॉरी नोडल और नीचे वाला पेडिकल। तो इस प्रकार से ये कोरोना और ये ओगोनियम इलांगेटेड स्ट्रक्चर में दिखाई दे रही है। ट्यूब सेल के द्वारा ये चारों तरफ से स्पायरली क्वाइल रहती है शुरुआत में। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस न्यूक्यूल को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। देन अब हमको लास्ट स्टेज में पहुंच गए हम लोग, जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर। किस प्रकार से डिप्लॉयड जायगोट जो है वो जर्मिनेट करता है, तो जो न्यूक्लियस है जायगोट का वो टॉप में मूव करता है, ऊपर की ओर जाएगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, चार हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे और साइमल्टेनियसली सेप्टम डिवाइड द जायगोट। जायगोट को दो भागों में अनइक्वल सेल में बढ़ जाएगा वो, और जो ऊपर वाली सेल है, जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो इसमें सबसे पहले तो ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो ऊपर की ओर जा रहा है, फिर इसके बाद डिवीजन हो रहा है, तो चार न्यूक्लियस बन रहे हैं, चार में से तीन अनइक्वल डिवीजन होगा तो नीचे आ जाएगा इस प्रकार से तीन थो, और एक ही बचेगा ऊपर, ठीक है इस प्रकार से। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि जो जायगोट है इस प्रकार से, अब यहाँ पर एक वर्टिकल डिवीजन होगा, यहाँ के जो तीन न्यूक्लियस हैं ये तो डिजनरेट हो जाएंगे, जो यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा उसमें डिवीजन होगा और दो सेल बनेंगी, स्मॉल डिस्टल सेल जो है वो लेंटिकुलर सेल है जिसमें एक ही फंक्शन न्यूक्लियस था ये वाला सेल, और ये वाला जो बिग सेल है स्टोरेज सेल कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जायगोट है उसमें डेवलपमेंट के समय किस प्रकार से दो सेल बन रही हैं अनइक्वल, और उसके बाद जो बिग सेल है उसके तीनों न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाते हैं, आउटर वॉल जो है जायगोट की क्रैक्स एंड लेंटिकुलर सेल एक्सपोजेज, मतलब जो लेंटिकुलर सेल है वो एक्सपोज होगी बाहर की ओर आएगी, लेंटिकुलर सेल डिवाइड बाय वर्टिकल वॉल जो मैंने बताया, जिसके चलते दो सेल बनेंगी, एक प्रोटोनिमल इनिशियल एंड एक राइजोइडल इनिशियल। प्रोटोनिमल इनिशियल सेल जो है डेवलप होगी इनटू प्राइमरी प्रोटोनिमा में, जो बाद में नोड्स और इंटर नोड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। राइजोइडल इनिशियल जो है वो कलरलेस राइजोइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि नोड्स और इंटर नोड्स उसमें भी होंगे। लाइफ साइकिल यहाँ पर हैप्लॉन्टिक टाइप की रहेगी, बिकॉज पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है उसमें चारों तरफ हमने देखा कि हैप्लॉयड फेज है, केवल जायगोट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डिप्लॉयड, बाकी रेस्ट हमने सभी पार्ट हैप्लॉयड देखे, इसलिए पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज की प्रधानता है। दैट्स वाई द लाइफ साइकिल विल बी हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट और देख लीजिए, देखिए जायगोट का डिप्लॉयड न्यूक्लियस किस प्रकार से ऊपर जा रहा है ये, और उसके बाद चार रिडक्शन डिवीजन हुआ, चार हैप्लॉयड न्यूक्लियस बने, फिर अनइक्वल डिवीजन हुआ, लेंटिकुलर सेल बनी और तीन न्यूक्लियस नीचे चले गए स्टोरेज सेल में, जो कि नष्ट हो जाएंगे, रीजनरेटिंग न्यूक्लियस हैं, और ये फिर उसके बाद ये थोड़ा सा लेंटिकुलर सेल एक्सपोज हो जाएगा, उसके बाद इसमें देखिए कि वर्टिकल डिवीजन हो रहा है इस प्रकार से, ये देखिए ये वर्टिकल डिवीजन हो, जिससे कि राइजोइडल इनिशियल बन रही है और प्रोटोनिमल इनिशियल बन रही है। देन ये देखिए प्रोटोनिमल इनिशियल से इस प्रकार से ऊपर की ओर ब्रांच बन रही है, जिसको बोलते हैं नोड और इंटर नोड में डिफ्रेंशिएट हो रही है, तो ये प्रोटोनिमल इनिशियल है, और राइजोइडल इनिशियल जो है वो टुवर्ड दी अर्थ जा रही है, राइजोइड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते, और यहाँ पर ये बना रही है आपका राइजोइड्स बनाएगी, और नोड और इंटर नोड से फिर इस प्रकार से ऊपर की ओर मेन एक्सिस बनेगा। तो ये पूरी एक कहानी है जिसमें हमने देखा कि कारा का डेवलपमेंट किस प्रकार से जायगोट के माध्यम से हुआ है। देन अल्टीमेटली सिस्टमेटिक पोजीशन पर थोड़ा सा डिबेट की बात आती है। तो फ्रिस्ट नाम के जो फाइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि कैरोफाइसी की जगह इसको क्लोरोफाइसी में रखना उचित है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू पिगमेंटेशन सेलोजिक सेल वॉल, जो कि
और स्टार्च के रूप में स्टोर्ड फूड और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और उन्होंने एंथ्रेडिया और रोगोनिया को सिंपल स्ट्रक्चर यूनिसेलर स्ट्रक्चर माना है, जबकि जो स्मिथ साहब थे दूसरे एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट कहिए, उन्होंने कहा नहीं, इसको क्लोरोफाइसी की जगह रखना ठीक नहीं, बल्कि कैरोफाइसी में इंक्लूड किया जाए और एक सेपरेट फाइटा बनाया, कैरोफाइटा उसमें रखा, जिसमें बताया गया प्लांट बॉडी शोज वेरी मच कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड। उनका कहना था कि भाई प्लांट बॉडी बहुत ज़्यादा जटिल है मार्फोलॉजिकली, और इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, दो प्रकार की ब्रांचेज पाई जाती हैं, जू स्पोर भी नहीं पाए जाते, और सेक्स ऑर्गन जो हैं वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप, जिसमें स्टाइल जैकेट लेयर तक दिखाई दे रही है। तो उन्होंने फिर इसको इसमें रखा। कुछ लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मानते हैं, पर चूंकि ब्रायोफाइटा में हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जो यहाँ पर नहीं पाया जाता, और उतना ज़्यादा स्टाइल जैकेट लेयर यहाँ पर नहीं है, तो ब्रायोफाइटा भी नहीं मान सकते हम। टेरिडोफाइटा के समान दिखता जरूर है एक्विसिटम के समान, लेकिन देखने से इसको टेरिडोफाइटा में नहीं रखा जा सकता। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोग को कारा के बारे में जानकारी दी है, और आगे जब भी समय रहेगा, कुछ तैयारी होगी, तो नया वीडियो आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ओके।